नमस्कार, आज हम सीखने वाले हैं कथक के हस्तक। तो यहाँ में आज कथक के हस्तक में आज हम सिर्फ हाथों को देखेंगे, उसके बाद पैरों को और उसके बाद टुगेदर। तो सबसे पहले हम कथक के जब हम खड़े होते हैं तो किस तरीके से खड़े होते हैं आपको मालूम है, फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं। अपने दोनों ही पैरों में डिस्टेंस, उसके बाद आपके जो नीज है इन नीज में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, क्योंकि जब हम कथक में घुंघरू पहनते हैं तो घुंघरू एक दूसरे को टकराए नहीं। उसके बाद हम हमारा सेंट्रल एक्सिस निकालेंगे। सेंट्रल एक्सिस निकालने के लिए आप सीधा खड़ा हो जाओ, अपना एक हाथ चेस्ट के ऊपर एक हाथ बैक के ऊपर रखते हुए सीधे खड़े हो जाओ। उसके बाद दोनों भी हाथों में इस तरीके से अपने शोल्डर और एल्बो एक लाइन में आना चाहिए, अपने फिंगर्स नीचे वाली साइड में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हस्तक देखेंगे। तो यह हस्तक देखने के लिए मेरी नजर स्ट्रेट है, तो मैं अभी हाथों के तरफ देखूंगा। ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे, तब हमारा फर्स्ट स्टेप होगा 1 2 3 4। तो मैंने मेरे आंखों से अपने जो पाम है, हाथों का पाम है, उसकी तरफ देखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप यहां देख सकते हो, जब मैं हाथ करता हूं तो मेरा हाथ पूरा स्ट्रेट आ जाता है, यहां से भी पूरा स्ट्रेट आ जाता है। जब हम हमारा हाथ ऊपर चला जाता है तब भी हमारा हाथ स्ट्रेट है। हम हाथों की तरफ देख रहे हैं, हाथ अपने कानों के पास है, और दूसरा भी एक बार फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप यहां देख सकते हो यहां थोड़ा सा मैंने स्ट्रेट किया है, तो आपको थोड़ा सा नीचे झुकना भी है। तो कैसे होगा, 1 2 3 4, थोड़ा सा मेरे बॉडी को थोड़ा सा जर्न आ जाएगा। इसे 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हाथ दोनों भी हाथ ऊपर चले जाएंगे, 1 2 3 4, हाथ सामने आएगा। हमने चक्र सिखाया था, तो मेरा शोल्डर एल्बो और रिस्ट एक लाइन में है, हाथ यहाँ ओपन होंगे दोनों की, एंड 5 6 7 8। तो अब जब हम ये करेंगे तो हम काउंटिंग में कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 5 6 7 8 same bits में हम करेंगे 1 2 1 2